हेलो एंड वेलकम टू एडविश इनसाइट्स। सो आज हम एक सुपर हीरो के बारे में बात करेंगे। सॉरी, ये मार्वल और डीसी वाले सुपर हीरो नहीं, एक असली वाले सुपर हीरो के बारे में बात करेंगे। और उस सुपर हीरो का नाम है शहीद सरदार उधम सिंह। तो जिस तरह से एक टाइगर अपना शिकार करने के लिए घंटों घात लगाकर बैठता है ना, बिल्कुल वैसे ही इस टाइगर ने भी 21 साल तक घात लगाए बैठे रहे और जैसे ही मौका मिला अपने शिकार को लपक लिया और पूरे देश का बदला लिया। पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करके 21 साल बाद 6 गोलियों से भूनकर हम पूरे देशवासियों का बदला लिया था शहीद सरदार उधम सिंह ने। इस वजह से इनको लोन असैसिन भी बोला जाता है कि अकेले ही चले गए पूरे देश का और पूरी समाज का, सोसाइटी का बदला लेने। ही वॉज अ इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑल्सो नोन एज शहीद आजम सरदार उधम सिंह, बॉर्न एज शेर सिंह इन अ कंबोज फैमिली। एक कंबोज परिवार में इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 में। संगरूर नाम का एक जिला है पंजाब में और उस पंजाब और जिले में सुनाम नाम का एक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ। इनकी लाइफ जो है बहुत ही टफ और बहुत ही दिक्कत वाली रही। माँ बाप का जल्दी देहांत हो गया, उसके कारण इनकी परवरिश एक अनाथालय में हुई। अपने भाई मुक्ता सिंह के साथ ये अनाथालय में रहे और इन सब के बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी और मैट्रिक्स का एग्ज़ाम पास किया। मैट्रिक्स अपने यहाँ 10th को बोलते थे उस समय पे। फिर 1919 में इन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। अब आते हैं उस काले दिन की ओर, द ब्लैक डे ऑफ 13th अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था, लोग खुशियां मना रहे थे और कुछ लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। उसी दौरान क्या हुआ था कि एक कानून आया था जिसको बोलते थे द रोलेट एक्ट। इस कानून के बारे में कहा जाता था कि ये कानून जानबूझ के ऐसा बनाया गया है कि किसी भी प्रकार का विरोध या विद्रोह भारत की ओर से पनपने ना पाए। तो इसलिए ये क्या करते थे, जिसके ऊपर भी शक होता था, जिसके ऊपर भी इनको लगता था कि ये कोई इशू क्रिएट कर सकता है, उसको सीधा उठाकर जेल में डाल देते थे। ना ही कोई ट्रायल होता था, ना वकील होता था, ना अपील होती थी, ना दलील होती थी, सीधा जेल। ये ऐसा कानून था। तो इस कानून को लेके गांधी जी ने लोगों से अपील करी कि ऐसा है कि सब लोग मिलते हैं और एक सत्याग्रह करते हैं। इस सत्याग्रह का नाम रखा गया रॉलेट सत्याग्रह। अब पंजाब में दो क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस द्वारा। एक का नाम था सत्यपाल, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। उनके लिए ही पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था जलियांवाले बाग में। अब हुआ ये, सरदार उधम सिंह भी उस बाग में लोगों की सेवा करने गए थे, पानी पिला रहे थे लोगों को। बट कुछ देर में ही क्या होता है कि एक ब्रिगेडियर जनरल था जिसका नाम था रेगिनाल्ड डायर, DYER, ठीक है, ध्यान रखना स्पेलिंग पे। उसने अपने जूनियर को जो कि पोस्ट पे था लेफ्टिनेंट गवर्नर पे, उसका नाम था माइकल ओ ड्वायर, DWER, उसको ऑर्डर दिया कि जाके उस प्रोटेस्ट में जाके शूट आउट कर दो। और वो जाके शूट आउट करने चालू कर देता है और तब तक शूट आउट चलता है जब तक उनके गन्स में से गोलियां नहीं खत्म हो जाती। दीवारों तक पे आज भी गोलियों के निशान हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए कोई कुएं में कूद रहा है, कोई दीवार पे चढ़ जाता है, ये हालत हो गई। ऐसे में जो निहत्ते भारतीय थे वो, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था कि कैसे अपने आप को बचाएं। तो कोई कुएं में कूद गया, कोई मतलब हजारों के मात्रा में लोगों की डेथ हो गई थी, बट रियल फिगर 379 दिखाते हैं क्योंकि उसमें उनकी भी बेइज्जती थी। अब हुआ ये कि उस लाशों के बीच में सरदार उधम सिंह भी रात भर वहीं पड़े रहे और अगली सुबह जब वो उठे तो उनको कोई वहाँ पे उनके ही जानने वाले, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव सब मिल दिख रहे थे। तो एकदम उनके दिमाग पे बहुत बुरी तरह से इसका ट्रॉमा हुआ और उन्होंने क्या किया
उस जगह की मिट्टी उठाई और कसम खाई। और कुछ जगह पे ये भी कहा जाता है कि वो गोल्डन टेम्पल गए अमृतसर में, जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ के सरोवर में जाकर नहाए और वहाँ पे कसम खाई कि मैं इसका बदला लूँगा। और इस बदले को पूरा करने के लिए इन्हें 21 साल लग गए। फिर फाइनली अंत में कैक्सटन हॉल में, लंदन में कैक्सटन हॉल में ये गए, एक किताब में गन के शेप की पेपर कटिंग करी और उसमें गन लेके गए चुपचाप, और बहुत पास से इन्होंने डायर को शूट करा। कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कि ये डायर को मारने वाले थे या डायर को। जो डायर था रेगिनाल्ड डायर, ये तो 1927 में ही मर गया था हार्ट अटैक से, जो ब्रिगेडियर जनरल था मैंने अभी बताया आपको। तो ये चीज़ इनको पता थी। तो जो बचा लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर, उसको इन्होंने मारा। अब एक कहावत होती है कि वन मैंस रेवोल्यूशनरी इज अनदर मैंस टेररिस्ट। तो हमारे लिए जो माइकल ओडवायर था वो टेररिस्ट था, क्योंकि उसने इस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार किए थे। बट जब वो अपने यहाँ गया लंदन में, तो उसको बहुत अप्रेजल मिला, बहुत अवार्ड्स मिले, बहुत पैसा मिला कि तुमने सही करा। तो ये तक हालत थी अंग्रेजों की इंडियंस के खिलाफ। फिर कैक्सटन हॉल में इन्होंने किया मर्डर, और आप फोटो में देख सकते हैं कि कितना पीस है इनके चेहरे पे, और इन्हें कोई भी शिकवा नहीं, कोई भी रिग्रेट नहीं। फिर जब ट्रायल्स चलते हैं, ट्रायल्स के दौरान उनका नाम पूछा जाता है उनसे, तो अपना नाम पता है क्या बताते हैं? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, कि मतलब मैं हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, सिख भी हूँ, और मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। उनका कहना था कि मतलब वो ही वॉज वेरी रेडी टू डाई, मतलब ही वॉज वेरी प्राउड टू डाई, उनको अपनी शहादत पे बहुत गर्व था। जब वकीलों ने ट्राई करा कि उनको उनके केस के लिए लड़ने के लिए ट्राई करा, एक वकील थे वी के मैनन, तो बाद में वो मिनिस्टर भी बने भारत के, तो उन्होंने वी के मैनन ने एक दलील रखी कि ऐसा है कि हम सरकार के सामने ये प्रूव कर देंगे कि तुम पागल हो, कि आपने अपना मेंटल स्टेबिलिटी खो दी है, और इस वजह से मैं आपको बचा लूँगा। तो इन्होंने मना कर दिया। कुछ और भी नेता ऐसे थे, जैसे गांधी जी ने इनके इस एक्ट को एक्ट ऑफ इंसेनिटी बोला, पागलपन है। नेहरू ने उस टाइम पे भी, नेहरू ने तो ये बोल दिया था कि ये सब कुछ सेंसलेस है, ये अच्छा नहीं हुआ जो भी इन्होंने किया। बट बाद में नेहरू को भी झुकना पड़ा। 1962 में उन्होंने बोला था कि आई सैल्यूट हिम जिसने फांसी का फंदा चूमा हमारी आज़ादी के लिए, बाद में बदले। अब मैं यहाँ पे एक बात डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर गांधी जी ने ऐसा कहा कि एक्ट ऑफ इंसेनिटी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों दुश्मन हैं। आज ये उधम सिंह बहुत इज्जत करते थे गांधी जी, बट दोनों ही अपने अपने ओपिनियन से बंधे हुए थे। अब उनको गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, अब मान लीजिए उनके देश का कोई सिपाही जाके किसी वॉयलेंस के एक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो अपने उस ओपिनियन से बंधे हुए हैं, इस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो बीइंग अ व्यूअर, बीइंग अ लिसनर, आपको एक मिडिल पाथ में रहना है, आपको दोनों एंड को बस सुनना है, आपको किसी डिबेट में नहीं पड़ना है, कि क्योंकि उस टाइम की जो सच्चाई रही गांधी जी की, चाहे उधम सिंह जी की, चाहे नेहरू की, वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन था। इस पे डिबेट करना, लड़ना कि गांधी बुरे हैं, उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया या उधम सिंह को नहीं बचाया या कुछ नहीं किया, तो इस तरीके की डिबेट्स बेकार हैं। हमारा काम बीइंग अ इंडियन सिटीजन ये है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने शहीदों को, हम अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इन्वॉल्व लोगों को इज्जत बख्शें। ये बहुत ज़रूरी बात कहनी थी मुझे आपसे, कि आप प्लीज़ इस चीज़ के डिबेट में मत पड़िएगा कि कौन बेहतर था, और ये भी मत करिएगा कि मैं कुछ और आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मतलब मैं आपको बस बैलेंस्ड ओपिनियन रखने की कोशिश करना चाहता हूँ, कि बैलेंस्ड ओपिनियन रखिए आप। फिर आते हैं, अब ट्रायल के दौरान जब इन्हें खाना दिया गया, तो ये इन्होंने खाने से इनकार कर दिया, और 42 दिन 42 डेज तक हंगर स्ट्राइक पे रहे। हम लोग
आधा घंटा भी नहीं रह पाते। 42 दिन तक इन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया, पाइप से खिलाते थे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इनकी लास्ट स्पीच। लास्ट स्पीच इतनी पावरफुल है कि हर किसी को हिला के रखते। इन्होंने बोला था कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। इन्होंने अंग्रेजों को डर्टी डॉग्स तक बोला। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली जिससे एक बात बहुत क्लियर होती है कि इनकी जो किलिंग थी, इन्होंने जो बदला लिया था, इट वॉज नॉट एमलेस। वो सिर्फ रिवेंज या गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी अंग्रेजों के खिलाफ, उनको एक मैसेज देना था। ही वॉज वेरी थॉटफुल। जब आप इनकी लास्ट स्पीच सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही थॉटफुल इंसान थे, भगत सिंह जी की तरह। तो इन्होंने एक बात पॉइंट रखा कि लेबर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है ये, अंग्रेजों की लेबर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। अगर कोई को नफरत होती तो वो हर एक अंग्रेज से नफरत करता, बट ये सिर्फ अंग्रेजों की जो इंपीरियलिस्टिक बिहेवियर है उसके खिलाफ है, और इस वजह से इन्होंने उन्हें डर्टी डॉग्स बोला। फिर इन्होंने बोला कि मैंने एक बहुत बड़े कॉज के लिए जान ली है। ही वॉन्टेड टू किल द स्पिरिट्स ऑफ माई पीपल एंड आई किल्ड हिज स्पिरिट ऑफ हिज ओन पीपल। मैंने बदला इस हिसाब से लिया, एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, आई एम वेरी प्राउड टू डाई, मुझे अपनी शहादत पर गर्व है। ऐसे थे शहीद उधम सिंह। मुझे कहानी बताते ही कुछ गूज़बम्प से होने लग जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी लेगेसी क्या रह गई है। इनको उतना कवरेज नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, जिस हिसाब की चीज़ें ये डिज़र्व करते थे। बट आज भी कई जगहों पे आप इनके स्टैचूज, म्यूजियम्स देख सकते हैं। न्यू स्टॉक होम यार्ड में लंदन में इनका ब्लैक म्यूजियम है, वहाँ इनकी गन्स, बुलेट्स, बुक्स रखी हुई हैं। मायावती सरकार में इनके नाम पर एक ज़िला बनाया गया था जिसका नाम है उधम सिंह नगर। इनकी डेथ वाले दिन पंजाब और हरियाणा में आज भी छुट्टी होती है। इनके ऊपर कुछ मूवीज भी बनी। अमृतसर में जलियांवाला बाग में ये आप स्टैचू देख सकते हैं। इस स्टैचू में इन्होंने हाथ में मिट्टी रखी हुई है। इस पर भी कई बार बवाल हुआ था कि जो कंबोज कम्युनिटी थी वो चाहती थी कि इनके हाथ में पिस्टल हो, रिवॉल्वर हो, बट सरकार ने उस चीज़ को डिनाई करते हुए इनकी स्टैचू में के साथ मिट्टी के साथ रख बनवाई। तो आप ये देख सकते हैं। तो हाँ, इनको जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, बट फिर भी इनके ऊपर काफ़ी मूवीज़ और काफ़ी कुछ बना है। जैसे एक तो विकी कौशल की मूवी बनी है, एक शहीद उधम सिंह राजबब्बर के साथ बनी है। तो अब ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि अंग्रेज सरकार ऐसी थी कि इनकी जब डेथ हुई थी, जब ये हैंग किए गए, तो इनकी उस टाइम पर बॉडी नहीं दी गई। फिर बाद में बहुत प्रेशर पड़ने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार में 1974 में इनके जो रिमेन्स रहे होंगे वो दिए गए। ये था अलग। तो ये बताते ही मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियोस, ये इनका नाम ही ऐसा है, इनका काम ही ऐसा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविस इनसाइट्स। अगर आपको लगता है कि इससे आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं इस तरीके के अनसंग हीरोज़ की एक सीरीज़ आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद।